औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर में आज सुबह करीब 10 बजे से लोकायुक्त की छापामार कार्यवाही की गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में वर्तमान में देवास में पदस्थ खनिज अधिकारी सोहन खतेड़िया के 3 से 4 ठिकानों पर एक साथ इंदौर, देवास, उज्जैन और पीतमपुर पर लोकायुक्त की अलग अलग टीम ने छापा मारा है। वहीं पीतमपुर स्थित मोहन खतेड़िया के बेटे के RCM प्लांट पर लोकायुक्त की टीम द्वारा छापा मारा गया, जिसमें अभी तक प्लांट से आय व्यय के दस्तावेज जब्त किए हैं। खबर लिखे जाने तक कार्यवाही जारी है। खतेड़िया देवास के पहले धार खनिज अधिकारी के पद पर भी रह चुके हैं। वर्तमान में देवास खनिज अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे लोकायुक्त DSP दिनेश चंद्र पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय के आदेश पर आज लोकायुक्त की टीम कार्यवाही कर रही है। अभी तक की जांच में पीतमपुर स्थित RCM प्लांट के अलावा 4 मिलर मशीन की जानकारी मिली है। कुछ दस्तावेज भी जब्त करने की कार्यवाही जारी है। पीतमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। माइनिंग अधिकारी तत्कालीन जिला खनिज अधिकारी श्री मोहन सिंह खतेड़िया के 4 ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई चल रही है। ऐसे अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। न्यायालय के आदेश से तलाशी की कार्रवाई चल रही है। यहाँ ग्राम खंडवा में RMC प्लांट पर हम लोग सर्च की कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे RMC प्लांट, 4 मिलर मशीनें और अन्य दस्तावेज मिले। कुल कार्रवाई में सर क्या निकल कर सामने आया? अभी तो इन्वेस्टिगेशन में है। सर एक साथ कितने ठिकानों पर छापे मारे? 4 ठिकानों। अच्छा, देवास, उज्जैन, इंदौर और पीतमपुर। फिलहाल यह पीतमपुर में आपकी कार्रवाई जारी है, यहाँ पर किन दस्तावेजों को जब्त किया गया है? ये आय व्यय से संबंधित दस्तावेज। आपका नाम? आपका नाम बताएं। दिनेश चंद्र पटेल, DSP लोकल। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।